नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज बात करेंगे हिपरसल्फ के पर्सनालिटी के ऊपर। जी हां दोस्तों, कल हमने डिस्कशन किया था हिपरसल्फ का जो ड्रग पिक्चर होता है वो कैसा होता है। कुछ खास कीनोट पॉइंट को लेकर हमने ये डिस्कशन किया था कि ये पॉइंट अगर होता है तो परफेक्टली हम इस दवाई का सिलेक्शन कर सकते हैं उस इंसान के लिए। वो ओवर सेंसिटिवनेस होता है, वो पेन, वो उसका जो कोल्ड एक्सपोजर से उसका प्रॉब्लम बढ़ जाना, वो मोरालिटी वाला एग्रावेशन होता है, और जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बताए थे, वो चाहे अब्सेस फॉर्मेशन हो या फिर किसी भी फॉरेन बॉडी अगर किसी जगह पर चुप जाती है तो उसको निकालने का जो नेचुरली जो काम करता है बिना कोई छुरी लगाए, बहुत ही जबरदस्त काम करता है हिपरसल्फ का। उसके साथ साथ जो आज हम पर्सनैलिटी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं उसको भी गौर से सुनिएगा। वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा, आपके जरूर काम में आएगा। अगर जो कल मैंने कीनोट सिम्टम बताए थे उसके साथ साथ ये अगर माइंड वाले सिम्टम जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो अगर किसी इंसान में मिल जाता है तो सोने पे सुहागा जैसे आपका मेडिसिन बहुत ही जबरदस्त काम करेगा, क्विकली काम करेगा, हर बीमारी को झट से खत्म करने की इसमें ताकत रहती है। ये भी एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है, इसको छोटा मोटा दवाई मत समझिए। हिपरसल्फ अगर जरूरत पड़े थोड़ा सा एग्रावेशन हो जाए तो बहुत ही क्विकली आपका कंडीशन खराब कर सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे जो गुरु हैं, मेरे एक सर थे हमारे कॉलेज के, उन्होंने अप्लाई किया था अपने खुद के ऊपर एक सिंगल डोज 200 का। एक स्किन केसेस था उनका, पाम में एक छोटा सा स्किन कंडीशन था, स्कैबीज था, और जब उन्होंने देखा कि एक महीने तक उसका कोई इफेक्ट नजर नहीं आया तो उन्होंने रिपीट कर दिया था 200 का और एक डोज एक महीने के बाद। उसका जो भी डोज सेकेंड डोज उन्होंने लिया, 2 से 3 दिन के बाद वायलेंट एग्रावेशन हुआ और पूरा उनका जो हाथ था पूरा उसका स्कैबीज के चपेट में आ गया, पूरा मतलब पस फॉर्मेशन होके वो पूरा दर्द करने लगा, और हाइपर सेंसिटिविटी जो इस दवाई में अक्सर लिखी होती है जो कल हमने डिस्कशन किया था वो सारा का सारा सिम्टम उनमें आ गया था। तो आप समझ सकते हैं कितना वायलेंट एग्रावेशन होता है। हिपरसल्फ एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, बहुत देर से थोड़ा काम करता है लेकिन पूरे इंटरनल स्पीयर तक ये काम करता है। और कीनोड के साथ साथ अगर इसके पर्सनैलिटी में जो हम डिस्कशन करने वाले वो सिम्टम भी मिल जाते हैं तो आपको एक सिंगल डोज से ही मिरेकल रिजल्ट मिलता है। तो पर्सनैलिटी की जब हम बात करते हैं, कुछ खास चीजें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखने की कोशिश करिए। जब कल हमने बात की थी ओवर सेंसिटिवनेस के ऊपर हिपरसल्फ का, वहां पर क्या सूचित करता है, बेसिकली नर्व का जो इरिटेशन होता है उससे सूचित करता है। जो स्टिमुलस होता है, जो इंपल्स होता है, एक छोटे से स्टिमुलस को भी बड़ा करके ही इसको दिखाता है। अगर किसी को एक छोटी सी चोट भी लग जाए हिपरसल्फ वाले पेशेंट को, वो उसको इस कदर दिखाता है कि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी फिजिकल लेवल से जाकर माइंड के लेवल तक भी दिखा जाता है। अगर किसी को कोई तकलीफ होती है हिपरसल्फ वाले पेशेंट को, उसका माइंड पूरा इरिटेबल हो जाता है, वो गालियां बकने लगता है अपने आसपास में जो भी उसके सामने आए, जबरदस्त को गालियां बकने लगता है, अरे तू तो ये है, तू तो वो है, तेरे वजह से ही मुझे हुआ, मुझमें ये नहीं था, ये मेरा जो भी मैं सफर कर रहा हूं उसका जिम्मेदार तू है, ऐसा करके गालियां बकने लग जाता है। वो चाहे वाइफ सफरिंग करने वाली अपने हस्बैंड को हो, हस्बैंड अगर सफर करता तो वाइफ को भी गालियां बकने लग जाती है। ये बेसिकली जो इरिटेबिलिटी होती है न्यूरोलॉजिकली, जो इरिटेबिलिटी आगे जाके फिजिकल लेवल से माइंड के लेवल पर उतर जाती है, और ये इरिटेबिलिटी ये एंगरनेस में बदल जाती है। एंगरनेस मतलब इस कदर गुस्सा, इस कदर एंगरनेस, वो बेसिकली एक पॉइंट है। आपने अगर कोई मेटेरिया मेडिका में पढ़ा है तो आपको पता होगा, बहुत सारे मेटेरिया मेडिका क्लार्क में भी और रॉबिन मर्फी में भी लिखा है कि सेट थिंग्स ऑन फायर। जॉर्ज बिटल को उसने भी इसको लिखा है कि हिपरसल्फ का एक पर्टिकुलरली एक लक्षण होता है, वो इस कदर गुस्सा बन जाता है, उसके अंदर वो एंगरनेस आ जाता है, वो इस कदर गुस्सा जो अपने दिखाने लगता है कि कोई भी इंसान को, कोई भी चीज को आग में फेंकने की कोशिश करता है, मतलब मैं उसको जला डालूंगा, मैं उसको आग में फेंक दूंगा, इस कदर गुस्सा होता है उसके मन में। और सेपिया के जैसे लक्षण होते हैं ना, वो अपने घर वालों के ऊपर उसका मोहब्बत, वो प्यार, जो अपनापन नहीं होता, ये हिपरसल्फ में भी दिखाई देता है। ये क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसका जो सफरिंग है वो टॉलरेट नहीं कर पाता,
सफरिंग को टॉलरेट ना कर पाने के कारण उसके अंदर जो गुस्सा होता है किसी और के ऊपर वो उछालने लग जाता है कि तेरे वजह से ही हुआ है, मुझे ऐसा नहीं होता कभी भी, सिर्फ तू ही जिम्मेदार है, तेरे वजह से ही हो रहा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, ये हमेशा से मतलब उसके ऊपर वो बरस पड़ती है। तो ये बेसिकली हिपर का लक्षण होता है। और भी और एक स्पेसिफिक पॉइंट है, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही क्विकली तरह से खाना खाते हैं, बहुत ही क्विकली पी लेते हैं पानी, बातें करते हैं जो फटाफट ऐसे बातें करते हैं कि आपको कुछ समझ में ही ना आए, लेकिन वो जो फास्टनेस हेस्टीनेस बोलते हैं, जो तरतर तरतर बहुत ही स्पीड में जो काम करते हैं, बातें करते हैं, खाना पीना चलना बहुत ही स्पीड में, वो हिपर शब्द के साथ सल्फ्यूरिक एसिड में भी होता है। तो ये कुछ कीनोट सिम्टम, आप उन दोनों में जो डिफ्रेंसिएशन है आपको पता चल जाएगा अगर बाकी के मेट्रिया मेडिका में आप सिम्टम्स देखेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं जो ओवर सेंसिटिवनेस और जो दर्द की बात हिपरसल्फ का, वो एंगरनेस में बदल जाता है और वो इरिटेबिलिटी आती है उनके जितने भी न्यूरोलॉजिकल एंडिंग्स होते हैं। लेकिन ये भी दोस्तों ये शुरुआती दौर में होता है, ये इरिटेबिलिटी, ये जो ओवर सेंसिटिवनेस बहुत अगर प्रोग्रेस कर जाता है तो आगे जाकर वो सैडनेस, दुखी आत्मा बन जाती है। दुखी आत्मा जो बन जाती है मतलब वो सोचते रहते, अरे मेरा तो सफरिंग इतना बढ़ गया है, मैं अब जी के क्या करूंगा, चलो मैं आत्महत्या ही कर लूं, वो ऐसा सोचता है। आत्महत्या सच में नहीं करता, बस ऐसे ही सोचती है वो कि चलो मैं, मेरे बचने का क्या फायदा, चलो कहीं पर जाकर आत्महत्या कर ले, मैं मर जाऊं तो भी बेहतर है, क्या करूंगा ऐसे जीकर, इस तरह के जो बोलते हैं ना ख्याली पुलाव पकाने लगता है। यह पर सब सच में नहीं होता, कोई आत्महत्या कोशिश नहीं करता, जैसे कि ऑरम मेटालिकम, वहां पर सच में वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है, नक्समोमिका करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो हिम्मत नहीं होती। लेकिन यहां पर जो हिपरसल्फ वाले जो पेशेंट होता है उसे बातें करता है, कुछ करने की उसमें नहीं होती, बस वो सोचता है कि चलो ऐसे बातों ही बातें बोलता है कि चलो मैं अभी जी के क्या करूंगा, मर जाऊं तो बेहतर हूं, मैं जाकर वहां पर छलांग लगा दू, पटरी पे जान दे दू, ऐसे तरह तरह की बातें करता है। तो इसमें कोई ओरिजिनल ऐसा इच्छा शक्ति नहीं होती कि वो सुसाइड कर ले। तो इस तरह का जो पर्टिकुलर कुछ सिम्टम्स होते हैं माइंड के सिम्टम, बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं हिपरसल्फ के पर्सनालिटी के ऊपर, आप अगर देखेंगे तो बढ़िया इसका इफेक्ट आएगा। ये जो एंगर इरिटेबिलिटी की बात जो मैंने कही है, बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर वो एंगर में सो नहीं कर पाता कोई पेशेंट या हिपरसल्फ का पेशेंट, वहां पर क्या होता है। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर वाइफ बहुत ही कड़ापन होती है, उसमें कड़ापन वो डोमिनेट करती है अपने हस्बैंड को, तो वो बता देती, वो एंगरनेस एब्यूजिव लैंग्वेज उसमें आ जाएगा, वो उसको गाली बक देगी और हस्बैंड बेचारा वो चुप होके रह जाएगा। लेकिन मान लो अगर हस्बैंड डोमिनेटिव है अपने वाइफ के ऊपर, उसको हमेशा सप्रेस करने की कोशिश करता है हस्बैंड, तो उस कंडीशन में अगर वो हिपरसल्फ पेशेंट हुआ तो क्या करेगी। अभी देखिए वाइफ के ऊपर हावी हो जाता है हस्बैंड, तो वो उसको तो कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन उसका जो सफरिंग होता है ना, जो एंगर उसका दब जाता है, जो एंगर उसमें जो क्रिएट होता है वो दब जाता है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उसका जो सफरिंग है वो और भी बढ़ जाएगा। तो ये सफरिंग बढ़ने के कारण उसका जितने भी बीमारियों का चक्कर है वो कई गुना बढ़ जाता है, वो मतलब इंटरनली टूट जाती है, वो टॉलरेट नहीं कर पाती, भ्रष्ट हो जाती है अंदर से। तो उसका जो माइंड कंडीशन है वो इस कदर डिप्रेस हो जाता है, वो मान लो सुइसाइडल थॉट को सचमुच कुछ ऐसा कर जाएगी आपको फीलिंग होता है। और ये दब जाने के कारण और भी एक नया चीज उसमें सामने उभर कर आता है, वो उस चीज को मारने की कोशिश करता है। जो एंगर जब सच में बाहर निकल आता है, लावा बनकर जो फूट जाता है, तो वहां पर इतना बुरा असर नहीं डालता, वो इसका बुरा इंपैक्ट नहीं डालता। अगर वो दब कर रह जाता है तो ज्वालामुखी की तरह फटता है और वो इस कदर यहां पर फटता है कि उस इंसान को मार डालने की कोशिश करता है, बिल्कुल मार डालने की। बहुत बार ऐसी कोशिश होती है कि वो सोचता है कि चलो मैं तो इसके ऊपर कुछ गाली नहीं बक सकता, इसको कभी ये सोया हो तो इसको मार डालूं, ये बिना देखे कहीं पर पड़ा हो तो इसको चाकू से घोप डालूं, ऐसा दिमाग अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं, चलो यह कहीं पर खड़ा हो तो ऊपर से नीचे धक्का दे दूं इसको, तो इसका अगर अजीब अजीब ख्याल आने लग जाते हैं उसको, वो उसके सामने एंगरनेस शो नहीं कर पाता, अंदरूनी तौर पर दब जाने के कारण उसके मन में ऐसे इंपल्स क्रिएट होते हैं कि मैं उसको मार डालूं। और ये मार डालने का जो हमने बात कही थी, जो आग में फेंक डालने का जो नशा, आग में जला डालने का जो चाहत, वो भी एसोसिएटेड हो जाती है, तो एक भयानक रूप ले लेती है माइंड के कंडीशन के लिए। तो इस तरह का जो खास पर्सनैलिटी वाले सिम्टम है,
आप कैसे जान पाएंगे इस तरह का सिम्टम, कोई पेशेंट आपको आकर बताएगा नहीं, आपको आहिस्ता आहिस्ता करके उसका अगर डीप लेवल पे जाएंगे केस टेकिंग के दौरान, एनालिसिस के दौरान, इवैल्यूएशन के दौरान, तो आपको पता चलेगा। उसके साथ आपको घुल मिल जाना है, उसके दिमाग से दिमाग लगाकर घुल मिल जाना है, तभी जाकर आपको ये लक्षण मिलेंगे, नहीं तो आप कभी नहीं जान पाएंगे। एक पेशेंट आएगा आपके पास, हजारों सिम्टम्स बोलेगा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सिम्टम्स है, ये जो स्पेसिफिक माइंड लेवल के सिम्टम है, वो आपसे कभी नहीं शेयर करेगा। आप जब उसके साथ मिलकर उसके जो पुराने ख्यालात है, उसके जो दिमाग के अंदर जो चल रहा है, उसको जानने की कोशिश करेंगे एक दोस्त की तरह, तभी जाकर वो आपको सारी चीजें बताएंगे और तभी जाकर आप एक परफेक्ट रेमेडी का सिलेक्शन कर पाएंगे। तो ये होता है ब्यूटीनेस ऑफ होम्योपैथी, जो दूसरे पति में नहीं होती, और तभी जाकर ये होम्योपैथी और दूसरे जो मेडिकल जो कोर्सेज से बहुत ही बेहतर साबित करती है। मैं चाहता हूं कि होम्योपैथी एक विस्तार पूर्वक पूरी दुनिया भर में फैले, ताकि कोई भी इंसान इसको आसानी से समझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मेरे सारे वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए, आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर छुपा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट टू ऑल।